कार फॉर सेल गेम में अपना शोरूम है टेक्नो मोटर्स, जिसमें हम लोग हमेशा नई नई गाड़ियां लाके एकदम प्यार से सजा के उसे बहुत महंगा बेचते हैं, खराब गाड़ियों को ठीक करा के बेचते हैं। बट क्या हो कि मैं अपनी फरारी को बहुत ज्यादा डैमेज करके, मतलब उसे पूरा तोड़ फोड़ के उसको 100% डैमेज करके बेचूं, तो वो कितने की बिकेगी, बिकेगी भी या फिर नहीं मुझे नहीं पता। लेट्स गो, चलते हैं आज एक फरारी पे। ये वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें ये बंदा अपनी फरारी कार को तोड़ने में लगा हुआ है। भाई इस बंदे ने गाड़ी को डैमेज करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा, कभी ये उसका साइड मिरर तोड़ रहा है, कभी उसे खेत में चला के आग ही लगा दे रहा है। तो मुझे ना ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब देखो मैं ऐसा रियल लाइफ में तो कर नहीं सकता हूँ, हमने GTA VTA में गाड़ियां फोड़ी है बट रियल लाइफ में नहीं। बट इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरे माइंड में बहुत क्लियर, गेम में अपने पास पैसों की तो कमी है नहीं, अगर मैं सारी गाड़ियां बेच दूंगा तो भाई पैसों की पूरी ढेर लग जाएगा। बट हाँ, आज का अपना टास्क है कि मुझे एक फरारी कार को डैमेज करना है। वैसे ये वाली फरारी को सोच रहा हूँ ले चलूं, क्योंकि नीचे वाली फरारी देखने में बहुत गंदी है। नहीं यार, ये वाली यहाँ पे अच्छी लग रही है। एक काम करते हैं, जो उस बाद में फरारी खरीद के लाया था ना, उसी को पहले रिपेयर करवाते, उसे पेंट वेंट करवाते, उस पर गाड़ी पे थोड़ा बहुत काम करवा के अच्छे से मैक्सिमम मॉडिफाई कर देते। और एक सेकंड भाई, ये कैसी है ना, ये मेरी गाड़ी यहाँ पर धोई क्यों नहीं? एक तो अपनी एक ही पर्सनल कार है निसान GTR, वो भी साफ नहीं है। अपना डेली का काम है याद रखना मुझे उस गाड़ी को एकदम धो वो के पूरा चमका के रखना है। वैसे जितनी भी गाड़ियां शोरूम के अंदर खड़ी होती है उसे अपना वर्कर जो है साफ कर देता। भाई ये बंदा पहले कैसा झूले, बहुत सारे लोग मेरे पे भड़क रहे होंगे कि अभी इसका 10-20 गाड़ियों का कलेक्शन हुआ नहीं, तोड़ फोड़ इसने पहले चालू कर दी। वैसे सही बताओ तो कलेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है अपने पास। देखो यहाँ पे निसान GTR है, इस तरफ में एक पोर्शे है, पीछे ये कोई तो महंगी गाड़ी है, नाम नहीं पता। बाकी इधर एक फरारी खड़ी है, अभी अभी भी कुछ भी नहीं है, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। भाई असली कलेक्शन तो मेरा वहां खड़ा है। मतलब पहले अपने शोरूम में काफी सस्ती सस्ती गाड़ियां भी हुआ करती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ लग्जरी कार सकते, एकदम महंगी वाली। ये मैं आ चुका हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, और इस फ्लोर पे कम से कम 10 तो नहीं, 5-6 million dollar का माल खड़ा हुआ है। वैसे ये भी मैंने ज्यादा बोल, 3 million dollar का माल तो है। यहाँ पर एक ODR8, इसके पीछे एक और ODR8, उसके सामने है मस्टैंग, फिर सामने है रेड कलर की फरारी, इस तरफ में एक BMW है, इधर पीछे एक सुप्रा है, इस तरफ में एक और पोर्शे, वहां पे एक और पोर्शे, नीचे एक और पोर्शे। भाई साहब लाइनें लगा रखे गाड़ियों की तो। और इन सब के बाद भी मेरे पास 1.5 लाख अभी भी गाड़ी साफ कर रहे हैं, बट देखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है। चलो तो पूरी गाड़ी मैंने चमका दी है धो के पूरी एकदम बढ़िया से। बाकी यहाँ एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, मैंने आपको पूरा कार कलेक्शन दिखा दिया, लेकिन नहीं, उस कार कलेक्शन में दो गाड़ियां इधर भी खड़ी है और वो भी एक फरारी है। ये देखो भाई, ये ग्रे कलर की कोर फरारी है अपने पास, और दूसरी ये पोर्शे है। भाई सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ही पैसा हो गया, और इस टाइम पर भाई शायद से ब्लैक फ्राइडे का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए गाड़ियां सस्ते में रिपेयर हो रही है, तो करा लेते हैं फटाफट। हाँ जी सर, ये वाली फरारी, ओ ये वाली फरारी रिपेयर है। चलो भाई तो गाड़ी में बैठते हैं, एक बार इसे बाहर निकालते हैं और ना भी इस गाड़ी पे थोड़ा बहुत काम करवाते हैं। कलर वगैरह इसका बहुत गंदा है, टायर प्रोफाइल तो काफी सही है, मुझे लगता नहीं मुझे इसके अलॉय वगैरह चेंज कराने चाहिए। फिलहाल सबसे पहली चीज जो चेंज करानी है वो है इसका पेंट, और मुझे गाड़ी ना वॉश करनी है, खुद ही वॉश कर लेते हैं। बट उससे पहले एक काम करो सर, इस पे पेंट कर दो, रेड करवाऊं क्या? यार देखो फरारी का ना मैं सोच रहा हूँ चेरी रेड कलर करा दूं, ये होता है चेरी रेड शायद से। ओके, तो मैंने ना एकदम चेरी रेड कलर सिलेक्ट कर दिया। एक बार भाई $7,000 का पेंट हो रहा है, कर दो भाई पॉलिश तो ठीक है ना यार, मेरे को गाड़ी पहले वॉश कर दूं क्या, क्योंकि रियल कलर नहीं दिख रहा। पहले ना गाड़ी वॉश कर देते, उसके ऊपर मिट्टी इतनी ज्यादा जमी हुई है कि भाई कलर दिख ही नहीं रहा पेंट जो होगा। और तुम इस गेम का ग्लिच मान लो या बग मान लो, बट ऐसा होता है कि अगर तुमने गाड़ी के ऊपर पेंट कराया तो उसका डस्ट नहीं हटता बट पेंट हो जाता है। चलो तो भी मैंने गाड़ी को एकदम मस्त क्लीन कर दिया, अब भाई पेंट सिलेक्ट करते हैं। तो चेरी रेड देखने में कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका ये है भाई, थोड़ा सा और इधर लाओ भाई, ये जो ऑरेंज कलर है ना एकदम मैक्लारेन वाला है, ये नहीं कर रहा मुझे। आई थिंक ये है एग्जैक्ट कलर जो मुझे चाहिए, बस मुझे ना इसका पॉलिश सेट करना है, कैसा पॉलिश रखूं। ये एकदम मेटल है भाई, ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखो भाई कितनी चमक रही है गाड़ी, आई थिंक ये कलर सबसे ज्यादा बेस्ट है। स्मूथनेस मैंने बहुत बढ़ा दिया पेंट की, और ये अगर करा दिया तो बिल्कुल क्रोम हो जाएगा भाई थोड़े टाइम पे। तो $11,000 का पेंट हुआ, मैं तो तू बता दे मैं येलो करा लूंगा भाई यार, लेकिन इतना गंदा स्कैम तो मेरे साथ गेम में कभी भी नहीं हुआ। चलो दोबारा से $7,000 पे करे हैं, और अभी मेरा कलर से लेकर चलते हैं इस गाड़ी को पूरा का पूरा डैमेज करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या तरीके है। सबसे पहले काम करते हैं, फुल स्पीड में भगाते हैं और ले जाके दीवार में ठोकते हैं, ठीक है? किसके घर की दीवार में ठोके, एक सामने घर दिख तो रहा है मुझे, तो मैं उसके लिए ना यहाँ पे गाड़ी लगा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एकदम आराम से गाड़ी लगाते हैं और वो रहा सामने घर। तो 3-2-1 लेट्स गो, गाड़ी भगा दिया है सामने वाले घर पे, मैं सीधा टक्कर मारने वाला हूँ, देखते कितने परसेंट गाड़ी डैमेज होती है। पूरी गाड़ी ओए 6.5 डैमेज हुई है, पता करते हैं कितने परसेंट कम हुई है। 6% गाड़ी डैमेज हो गया भाई, लेट्स गो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे इस गाड़ी को आज पूरा तोड़ना है, उसके बाद बेचना है। भाई देखते हैं कि कोई कस्टमर खरीदने आएगा भी या फिर नहीं आएगा, या फिर ये गाड़ी उतरेगा ही बिक जाएगा, मुझे सचमुच में कोई आइडिया नहीं है। तो फटाफट से भगाते हैं। वैसे एक सेकंड, एक ना इधर रैंप होता है, मैं कभी भी उस रैंप के ऊपर से ना गाड़ी नहीं कूदाता हूँ,
वो बनाई गाड़ी कुदाने के लिए, बट मैं इसलिए नहीं कुदाता क्योंकि भाई गाड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। बट आज तो हमको गाड़ी डैमेज ही करनी है भाई, आज अपना टारगेट ही वही है, तो इसलिए मैं सीधा उस रैंप पे से गाड़ी उड़ाने वाला हूँ भाई। चलो गाइस, तो ये सामने मुझे वो रैंप दिख चुका है, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ इधर थोड़ा। अरे यार रनवे की जगह है क्या? ये है वो रैंप भाई। रात हो चुकी है, ठीक। देखो रात में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी गाड़ी को ना फटाफट से घर पे लेकर चलते हैं, पहले सोएंगे, कल सुबह कर रहे भाई थोड़ा फाड़ी। बाकी रात के टाइम पे भाई लाइट तो जला लो एक बार, डेविल वाली लाइट लगाई थी भाई पर्पल। सामने से ऐसा लग रहा है बंदे को नहीं, मेरी गाड़ी का कलर रेड हो चुका है, और ये रेड कलर सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा है, फुल चेरी रेड कलर। ओहो भाई क्या प्यारी दिख रही यार गाड़ी इस टाइम पे। अभी ना ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट से थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन करें। इस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं वापस आ चुका हूँ भाई अपनी गाड़ी को तोड़ने के लिए। कहां पहले मुझे दुख हुआ करता था कि यार गाड़ी टूट गई, और आज मेरा टारगेट ही वही है। और मुझे ना पता करना है कि गाड़ी जब 100% डैमेज हो जाती है तो कितने रुपए की रिपेयर होगी, आई मीन रुपए नहीं कितने डॉलर्स की रिपेयर होगी। भाई रैंप कहाँ चला गया पूरा? चलो भाई तो कोई बात नहीं, दुख नहीं होना चाहिए भाई। अभी तुम लोग को पता क्या दिखने वाला है, जैसे रनवे पे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, आज अपनी फरारी उड़ने वाली है लेजिट। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गाड़ी उड़ती कैसे है। तो अपने सामने है रैंप, गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा लिया भाई, कोई अगल बगल से आ तो नहीं रहे ना टाइम पास कर रहे, पता चला मैं भगाता हुआ जा रहा हूँ किसी ने ठोक दिया। चलो 3 2 1 लेट्स गो, गाड़ी भागी है। अभी तो खैर कुछ खास स्पीड नहीं गई है ना, ये बूस्टर मार देते हैं अभी। और ये कूदी 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 कूद गई भाई, भाई भाई पटकी खाएगी भाई सीधा 10 का डैमेज। ओ भाई ओ एक सेकंड भाई, बहुत डैमेज आया गाड़ी पे, बहुत डैमेज आया। वो पता लगा कहीं से टूटी हुई नहीं दिख रही, वो गेम वालों ने डिजाइन ही ऐसा करा कि कार में ऐसे डैमेज दिखता नहीं है, हमें से उतर के पता करना पड़ता है भाई। 35% नहीं करवा रही हमें तो, और डैमेज करना है भाई। बट 7,500 ही मांग रहे यार, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। चलो तो अभी गाड़ी को भगाते हैं और किसी बंदे की गाड़ी में ठोकते हैं, इसकी गाड़ी में ठोकेंगे, इधर तेरी गाड़ी भी डैमेज करेंगे। ले निकल यहाँ से, इनकी इनकी भीड़ में मार देते भाई, भीड़ में इधर गिर ले। और कोई बचा भाई? आज भाई मैं सबकी गाड़ियां तोड़ने वाला हूँ भाई, बहुत बुरी तरह इसमें मारूंगा। बूस्टर देके निकल यहाँ से, 6.9% डैमेज। ऑफ रोडिंग करते हैं भाई, ऑफ रोडिंग करेंगे भाई यहाँ से। अरे पेड़ में नहीं, मेरे को जाना है ऑफ रोडिंग पे, कितना डैमेज होता है गाड़ी में भाई। बढ़िया चल रही है। अरे फ्यूल खत्म हो गया, अरे यार फ्यूल खत्म हो गया, बट गाड़ी में थोड़ी रेस गई थी इसलिए गाड़ी अभी भी चल रही है। रुक जाओ, मुझे फ्यूल कैसे डाल भाई, फ्यूल कैसे डालूंगा मैं? अच्छा यहाँ से डल जाएगा ना, ऐड फ्यूल हो गया। चलो 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 डल गया भाई, लेट्स गो भाई। जब इस गेम में गाड़ी के अंदर फ्यूल ऐसे ही डल जाता है तो पेट्रोल पंप बनाया ही क्यों है भाई, बंदे तो ऐसे ही डलवा लेंगे। ओ भाई 3.6% डैमेज भाई, गाड़ी से इस टाइम पर फुल ऑफ रोडिंग चल रही है भाई, कुदा कुदा के बंदे एसयूवी से नहीं करते होंगे। ओए सीधी हो गई भाई, इस गेम में गाड़ी मुझे लग रहा पलटती नहीं है, दोबारा से कुदाएंगे भाई। पलटी 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 कूदी, 3% डैमेज, 3.8 इसके जंक यार्ड की दीवार पर ले आके भेड़ दूंगा भाई। इधर आओ खेल लो, 6.2 कार ब्रोक डाउन, ओ गई गाड़ी, गई डैमेज है। और अभी अगर गाड़ी शोरूम के अंदर नहीं जाएगी तो मैं उसको बेचूंगा कैसे भाई, मुझे अब रिपेयर करानी ही पड़ेगी चलाने के लिए। मतलब देखो ना, जैसे मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ वो चालू ही नहीं हो रही है, तो मैं कुछ भी करके इसे शोरूम में नहीं ले जा सकता। बाकी रिपेयर $15,000 में हो रही है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है पैसा, 20,000 में होनी थी बट डिस्काउंट चल रहा है इसलिए 15,000 ले रहे। बट यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं गाड़ी को और डैमेज कैसे करूं, मेरे पास कोई सस्ती गाड़ी खड़ी है क्या जिसको ले जाके उसमें भेड़ू? एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को तोड़ने के लिए गाड़ी खरीद के ले आता हूँ, कार मार्केट में चल लेते हैं भाई, यहाँ पे तो 500 गाड़ी आ रखी होगी। पैसा अपने पास काफी ठीक ठाक पड़ा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आज एक और फरारी आ रखी है भाई बिकने के लिए, देख रहे हो भाई ये गाड़ी 15% ही डैमेज है और 2,95,000 नहीं नहीं भाई इतना पैसा नहीं है। तो मुझे उस गाड़ी को तोड़ने के लिए ना एक बढ़िया कार चाहिए होगी, ये वाली BMW ले लेते भाई, काफी सही दिख रही है और बिल्कुल नई कंडीशन में, तो बेच दो भाई सीधा। 21 तू मांग रही है, तू 18 में दे देगी, 18,500। चलो फटाफट गाड़ी बेचो, लेट्स गो। तो हमें गाड़ी मिल चुकी है, अब बस इस गाड़ी में एक बार बैठ के चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर गाड़ी जो है रिपेयरिंग वाली लोकेशन पे खड़ी है तो क्या मैं उस गाड़ी को तोड़ पाऊंगा। भाई क्या खच्चर सी कार है, धीरे क्यों चल रही है, तेज भाग रही मजाक कर रहा हूं भाई, इसने तो स्पीड पकड़ ली बहुत वाली। यहां से ना थोड़ी जगह बनाते, इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे खड़ा करते हैं। चलो अभी लेकर आते हैं वाली गाड़ी को, उस गाड़ी को मैं अपनी पार्किंग में तो ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ ना भाई, एटलीस्ट मेरी गाड़ी है, टो तो मैं करवा ही सकता हूँ भाई इसको। यस टो करवा दी मैंने बाहर, शोरूम के अंदर कैसे ले जाऊंगा इसको बेचने के लिए मुझे सच में नहीं पता। बट ये है कि गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, मुझे जानना है बिकती है नहीं। वैसे एक पॉसिबल तरीका यही है कि ना मैं गाड़ी से टक्कर मार के ले जाऊँ, ऐसे टक्कर मार के मैं इसको ले जा सकता हूँ। ओ भाई मैंने तो टो कर ली, हाँ ऐसे ऐसे ले जाऊंगा। चल 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 हो जाएगी भाई, आराम से एकदम भाई, ये बहुत सही तरीका है। कल को तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए तुम उसे टो करके ले आओ भाई, हट जाओ भाई, गाड़ी आ रही है गाड़ी भाई। चलो अब मेरे को टेंशन कहता है मैं गाड़ी बेच सकता हूँ, फरारी मैंने ला के, अरे आराम से वापस चढ़ा दो इसको ऊपर, आ जा भाई, ये BMW मैं कभी नहीं बेचूंगा, ये मस्त गाड़ी है भाई, गाड़ियाँ टो करने के काम आएगी यार। चलो इसमें थोड़ी बहुत टक्कर मार के फरारी को और डैमेज करते हैं, ले
3.7 ये BMW डैमेज हुई है, फिर 4 सेल का टैग लग चुका है, गाड़ी बिकने के लिए जा चुकी है। लेट्स सी कस्टमर्स आते हैं खरीदने या फिर नहीं, उसके लिए मुझे शोरूम ओपन करना होगा। बट यार 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे अंधेरा हो जाता है और शोरूम बंद हो जाता है, तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बट जो भी है भाई गाड़ी एक बार तुम खुद देखो भाई इधर, ये अपनी कार यहाँ पर दिखा रहा है 73% डैमेज, सब कुछ इंस्टॉल हो रखा है गाड़ी में, सारा काम हो रखा है, बट ये गाड़ी का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। आओ भाई किसके अंदर दम है इस गाड़ी को खरीदने का, मैं भी तो देखूं। अभी फिलहाल रात हो चुकी है भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने, अपनी निशान GTR लेके जाएंगे भाई। बड़े दिन से यार मैं बस पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ यार सोने के लिए, लेट्स गो। अरे अरे भाई अभी रिपेयर करा के निकाली थी फिर डैमेज कर दी, चलो कोई बात नहीं रिपेयर करा लेंगे, फिलहाल अभी सोने चलते हैं, फिर डैमेज, लेट्स गो गाइस। घर पे पहुंच चुके हैं और भाई अपने मोहल्ले में इतना ज्यादा अंधेरा क्यों रहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब अपने घर के बाहर लाइट लग गई है, पहले यहाँ भी बहुत अंधेरा रहता था, बट अभी थोड़ी आ चुके हैं इस फरारी को बेचने की, तो फटाफट से सेल पे लगा देते हैं। यहाँ पर एकदम मस्त खड़ी हुई है, पहले इसकी पोजीशन ठीक कर देते हैं, बेचारी इतनी आलिशान कार है उसको एकदम कोने में ले जाके खड़ा करा है। चलो कोई बात नहीं इसकी पोजीशन में, अरे हमें इसको उठाने के लिए इसके पीछे जाना पड़ेगा ऐसे, तभी गाड़ी आती है ऊपर। आजा आजा आजा, अरे ऐसे नहीं, रुक जा, हाँ चलो 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 चलो। तो अभी प्यार से इस गाड़ी को, अरे प्यार से एक बार थोड़ा प्यार से पर थोड़ा तेज स्पीड में इस गाड़ी को हम लोग इस गाड़ी के ऊपर रख के पीछे खींच देते हैं और रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। चल पोजीशन थोड़ी ठीक कर देते हैं, चलो छोड़ो है। गाड़ी लग चुकी है पर इसके लगने का तरीका, गाड़ी सचमुच में बहुत ही ज्यादा घटिया हालत में, अगर वो बिक गई तो सच में मजा तो आ जाएगा। मतलब एक गाड़ी जो कि मैं $230,000 की लेकर आया था, उस गाड़ी को पूरा तोड़ने फोड़ने के बाद भी मैं अगर उसको $500,000 का बेच दूं तो अभी मेरा डबल का प्रॉफिट है भाई। और वैसे एक पता है गुड न्यूज क्या है, अपने ऑफिस में अपने शोरूम में इस टाइम पर कस्टमर आ चुके हैं और शायद से वो फरारी को खरीदने के लिए आए होंगे, क्योंकि मेरी जो बाकी गाड़ी है वो मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, बस ऐसी खड़ी हो रखी है। लेट्स गो बाय, फरारी की कस्टमर करने के आए हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। ठीक है भाई निशान GTR ला चुके हैं हम लोग, यहाँ पे पार्क कर देते हैं इसको और चलते हैं एक बार जल्दी से अंदर। यस सर, फरारी लेने आपको कितने पैसे लेके आए हो? $1,000,000 मैं इस गाड़ी के मांग रहा हूँ और मुझे ये बंदा $350,000। बराबरी का होगा या फिर, वैसे तो नहीं यार बराबरी का ही होगा, दोनों गाड़ियां सेम है, हो सकता है कि उल्टा उसकी गाड़ी में थोड़ा काम कम हो रखा हो। बट एक सेकंड, फरारी का एक कस्टमर आ रखा भाई, ड्रैग रेस तो पूरा दिन चलते रहेगी, फरारी के कस्टमर नहीं आएंगे यार, 5-5, 6-6 लोग आ चुके हैं, देखते हैं भाई। इनमें से अगर किसी भी एक बंदे ने भाई $500,000 दे दिए ना भाई, उसको गाड़ी बेच दूंगा। बहुत लोग आया भाई, 73% डैमेज गाड़ी, 3,24,000 बिल्कुल नहीं, बाय बाय। आप बताओ, 5 लाख भाई मुझे डबल चाहिए गाड़ी तोड़ने के बाद, 3,50,000 बिल्कुल नहीं, 3,50,000 वाले तो भाई बहुत कस्टमर है। हाँ जी आप बताओ भाई, 4 लाख, अरे भाई 3,50,000 सब लोग लिखवा के आए हो क्या भाई, बात बात करके आए हो क्या, इतने ही देंगे? ऐसे लग रहा है सारे कस्टमर से मिलते इन्होंने बात करी है कि इस बंदे को उससे ज्यादा पैसे दो ही मत। 3,38,000 तू तो दूर भाग में से, अरे तू ऐसी चला गया। हाँ जी सर, अब ओ भाई तू अमीर लग रहा है भाई, 2,30,000 के मैं लाया था, 2,60,000 देगा तू, बड़ा आया शाणा मत बन। 5-6 कस्टमर्स को गाड़ियां खड़ी है ना ऊपर भी। अभी फिलहाल मस्टैंग को क्लीन कर रहा है भाई, मुझे लग रहा है इसकी फेवरेट मस्टैंग है भाई, हमेशा साफ रहती है गाड़ी, बाकी गाड़ियों पे भाई धूल मिट्टी चिपकी पड़ी है यार पूरी। चलो कोई नहीं, शायद से भी ये नीचे ही जा रहा है यार। वैसे एक चीज तो है कि इस गाड़ी के लिए ना कस्टमर बहुत ही कम आ रहे हैं, वैसे काफी कस्टमर हर थोड़ी देर में आते जाते रहते हैं, बट अभी तक तो कोई नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तब तक एक ड्रैग रेस कर आ जाऊँ यार, थोड़े पैसे कमा लूँ। चलो भाई लेट्स गो। और एक सेकंड भाई, यहाँ पे एक पोर्शे आ रखी है, और गाइस आप लोग को एक चीज नहीं पता होगी, आई मीन मुझे नहीं पता आपको पता होगी या नहीं, बट मुझे पता है, अगर पोर्शे वाले से रेस करने के लिए मैं पोर्शे ले आऊँ तो हम लोग आपस में बेट लगा सकते हैं कि जो बंदा हारेगा उसे, मतलब मैंने थोड़ा सा नुकसान का, तू नुकसान क्यों कर रहा है यार, 2,30,000 की लाया था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने गाड़ी को पूरा तोड़ डाला, उसके बाद भी वो बिक गई भाई, मतलब इतना तो है कि भाई इस गेम में गाड़ी बिक जाती है। चलो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं एक ड्रैग रेस करने के लिए, हमने बहुत ज्यादा डैमेज्ड फरारी भी आज बेच डाली, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ इस गेम में, बंदे देखते नहीं भाई कितनी डैमेज वैमेज खरीद लेते हैं। बस आज मैं अपनी जान दांव पे लगाने वाला हूँ, पोर्शे वर्सेस पोर्शे करके बराबरी का मुकाबला होने वाला है, और मैं बैट क्यों नहीं लग रही भाई, लेट्स गो गाइस। ये देखो इस रेस में ना प्राइस लिखकर नहीं आ रहा कि जीतने वाले को कितना मिलेगा, सीधा लिखा हुआ है बेट इस कार, जो जीतेगा उसको सामने वाले की गाड़ी मिल जाएगी, और अगर हारेगा तो उसको अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी। लेट्स गो भाई रेस करते हैं, गाड़ियां तो भाई दोनों ही तगड़ी है, अपनी वाली थोड़ी ज्यादा चली हुई है, लेट्स गो, होपफुली जीत जाऊं भाई। मैं बड़े दिनों बाद ड्रैग रेस कर रहा हूं, पूरा गेम ना सिर्फ गियर अप करने का है इसमें, मुझे शायद इससे रेस करने से पहले एक दो रेस करके हाथ खोल लेना चाहिए था। चलो भाई लेट्स गो, देखते हैं कौन जीतता है, अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे लेकर चलते हैं, टाइम पे बस मैं गियर अप कर दूं भाई। चलो पूरी रेस दे रखी है, लेट्स गो, ये अप अप, अबे कैसे
बहुत बड़ा वाला नुकसान। ओहो, पोर्शे लेकर आए थे, पैदल घर जा रहे हैं, कितना बुरा फीलिंग है भाई ये। जी यार, मुझे उस गाड़ी से एक रेस कर लेना चाहिए था यार, बट कोई नहीं, मुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए। अपने पास अभी भी, एक सेकंड रुको, मुझे जानना है अपने पास अभी भी कितनी पोर्शास खड़ी है। बट यार दुख तो हो रहा है, सही बताऊं तो जीत जाते तो कितना मजा आता यार, एक और हो जाती फ्री फंड में। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अपने मतलब दिन तो आएंगे, क्या दिन है ही, बस एक रेस करके हाथ खोल लिया होता ना उस गाड़ी पे तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। फिलहाल देखा जाए तो अभी अपने पास एक ये खड़ी है और एक पोर्शे ऊपर खड़ी है, एक नहीं ऊपर शायद दो खड़ी है। एक मिनट में देख के आता हूँ फटाफट से, एक नीचे थी और एक यहाँ पे ऊपर है और एक येरी लेफ्ट में। भाई अभी भी तीन पोर्शास है भाई, अपने पास चार पोर्शास थी भाई, बिलीव ही नहीं हो रहा। और वो जीत जाता तो पांच हो जाती भाई, $2.5 million तो यही हो गए। एक गाड़ी $5 lakh की बिक जाती है आराम से, जो मतलब एकदम परफेक्ट कंडीशन में होती। सही यार, अपने पास गाड़ियों का कलेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा होते जा रहा है। बस अभी $4,80,000 है फरारी जो बेची है, इन पैसों को बढ़िया जगह यूज करके और गाड़ियां खरीद के लाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू वीडियोस देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब को बटन आ रहा है, जल्दी से जाके दबा दो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जाओ दबा दो भाई, मजा आ जाएगा। बाकी आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।